प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, लेकिन बीजेपी के मंत्रियों के बिगड़े बोल इस समय राजस्थान की राजनीति में चर्चाओं का विषय। शिक्षा का जिम्मा एक महत्वपूर्ण जिम्मा है और ये जिम्मा दिया जाता है ऐसे किसी आदमी को जो बच्चों के भविष्य निर्माण में अपना योगदान दे सके, लेकिन राजस्थान में शिक्षा मंत्री का जिम्मा दिया गया मदन दिलावर को। जिस दिन से उन्होंने पदभार संभाला है तब से ही उनके विवादित बोल राजस्थान की गलियों में गूंजते हुए सुनाई देते हैं। एक बार फिर से उनके विवादित बोल तो सुनाई दिए हैं, लेकिन साथ ही शिक्षा मंत्री का झूठ भी सबके सामने आ गया है। अगर शिक्षा मंत्री सार्वजनिक रूप से ऐसे झूठ बोलेंगे तो बच्चों पर क्या असर पड़ेगा, चलिए कुछ बताते हैं कि किस तरीके से उनका झूठ पकड़ा गया है। शिक्षा मंत्री बीते दिन एक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे, इस दौरान उन्होंने शिक्षकों को लेकर तीन विवादित बयान दिए। इसमें पहला जो बयान था वो था महिला शिक्षिकाओं के पहनावे को लेकर, दूसरा बयान था शिक्षकों द्वारा गुटखे का सेवन करने को लेकर, और तीसरा बयान था कि मदिरा के नशे में शिक्षक स्कूल जाते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा ट्रोल हुआ बयान वो था कि शिक्षिकाएं अर्धनग्न होकर स्कूलों में जाती हैं। सबसे पहले हम आपको वो बयान सुनाते हैं कि शिक्षा मंत्री ने कार्यक्रम में क्या कहा था। अर्धनग्न होकर के स्कूल में जाते हैं, कई बहनों को देखता हूँ जो अच्छे कपड़े नहीं पहनती, पूरा शरीर दिखा करके और स्कूल में जाती है। हमारी बच्चियों पर बच्चों को उसका अच्छा संस्कार नहीं होता, यानी कुसंस्कार बनता। इसलिए उनको सोचना चाहिए कि मैं शिक्षा हूं या मैं शिक्षक हूं, हमको कैसा पहनाव पहनना चाहिए, क्या खाना चाहिए। कहीं मैं शिक्षक बहनों और भाइयों को देखता हूँ जो विमल गुटखा खा के जाते हैं, बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, गलत सा पड़ेगा। कई अध्यापक बिल्कुल ऐसे तंगे खाते खाते झूठे झाते स्कूल जाते, बच्चे क्या सोचेंगे। दारू पीना अच्छा रहता है, मार्ट साहब भी गुरुजी पी के आते हैं। जो इस प्रकार का कृत्य करता जिससे कुसंस्कार मिलते हैं वो शिक्षक नहीं, हमारे जो होनहार बालक बालिकाएं हैं उनके दुश्मन है, दुश्मन। उनको शिक्षक कहना पाप। आपने एक एक शब्द सुना कि शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि महिला शिक्षिकाएं अर्धनग्न होकर स्कूल में जाती हैं, वो ऐसे कपड़े पहनती हैं जिनमें उनका पूरा शरीर दिखता है। जब ये बयान काफी ज्यादा ट्रोल हुआ, विपक्ष भी शिक्षा मंत्री को निशाने पर लेता हुआ नजर आया, तो अब उनका एक नया बयान आया है जिसमें वो साफ झूठ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए वो बयान हम आपको सुनाते हैं। अर्धनग्न मैंने शब्द उपयोग नहीं किया, मैंने कम कपड़े पहन कहते हैं ऐसा लगता है जैसे अर्धनग्न है, मैंने ये नहीं कहा अर्धनग्न आते हैं। आपने सुना कि शिक्षा मंत्री अपने बयान से पलटते हुए नजर आए हैं। शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि मैंने तो ऐसा बयान ही नहीं दिया है कि महिला शिक्षिकाएं अर्धनग्न होकर स्कूल में जाती हैं, मैंने तो ये कहा है कि वो कम कपड़े पहनकर स्कूल में जाती हैं। ऐसे में आपने दोनों बयान सुने हैं, क्या सच है क्या झूठ है आपके सामने है। ऐसे में प्रदेश के शिक्षा मंत्री जिनके पास प्रदेश के करोड़ों बच्चों का भविष्य उनके हाथ में है, स्कूल में जाकर वो शिक्षक की भूमिका निभाकर बच्चों को पढ़ाते हुए नजर आते हैं, ऐसे में यदि वह खुलेआम झूठ बोलेंगे तो बच्चों पर क्या असर पड़ेगा, ये भी सोचने वाली बात होगी। आप देखते रहिए पॉलिटिकल नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।